सलाम दोस्तों, मैं थोड़ा बराब मियां मोहम्मद खुल का टू तक वीडियो जो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पाकिस्तान तो काम भी करो। आज आप एक बार फिर अपने जीवन लेसन के खेत में मौजूद हैं। यह जीवन लेसन दोस्तों ये है सी बेबी सीड जिन्होंने कहते हैं मदर सीड, छोटे छोटे ये बच्चे है सन ए बारे ए लगाया सी। इनका पहले साल बनता हूँ सेब, छोटा जो गोल या सेब, सेब के बाद अगले साल बनता हूँ जनाब बल्ब शायद इस तरीके कुड़िया वाला। लेकिन जमीन की कुछ अच्छाई तो कुछ जरा दवाइया खाद सबरे चंगे लगाव का नतीजा यह है कि पहली बारी जनाब सेब की बजाय बल्ब बन गया, कुड़िया की शक्ल च जनाब हो गया है। इनका मतलब है भी काफ़ी फायदा होया अपन इस बार कल भी कराओ। मैं तुम बखाना जनाब 385 ए पिछे है जी मशीन है। अच्छा करो मिंटा का काम है, घंटे का काम मिंटा च, तीन का काम घंटे च करने वाली मशीन है दोस्तों। यदा जो पीटीओ सिलसिला है वो इनका बैरंग जो असं टुट पिछे अपने को हैगी चार कनाल, इनू फिर आप डायरेक्टली बगैर पीटीओ की कर दिता देसी जुगाड़ जिम्मे लगा ये हम अपनी अपनाई होंगी पी है। तो फिर अगले सीजन में बैरंग शहर का सैट पवावे एक मशीन कम लवेंगे। ये प्याज भी पट सकते हो, लहसन भी पट सकते हो, मतलब खेड़ी के उपर जो भी चीज़ है इस तरीके से बड़ी आसानी ना पट सकते हैं। अच्छा कर लो एक बार फिर यदा बहुत ही प्यारा सहत निकलता पी है बेबी सीड का, तो समझ लो इंज लगता जिम्मे पछेत्रा जीवन लेसन लाया हों। पाकिस्तान के दोस्तों जीवन लहसन तकरीबन हर जिले च ही इसकी काश्त हुई है इस साल। जिन्हें भी किसान वीर भरा है उन्होंने चाहिए जीवन लहसन अपनी जेब के मुताबिक, अगर जेब उन्होंने इजाजत देती है पांच मरले लगाने पे तो पांच मरले लगाओ, अगर जेब इजाजत देती दस मरले लगाने ने पांच कनाल लानिया ने पांच एकड़ लगाने ने तो फिर उस हिसाब न लाजमी काश्त कर, क्योंकि पाकिस्तान का जरा ज़्यादातर सरमाया लहसन की खरीदारी में चाइना तो ईरान की तरफ वग जाता जनाब। अगर तुसी अपने मुल्क नूं लहसन दे फील्ड में खुद कफील करते हो तो फिर साडा जिहड़ा सरमाया जरा ना काफ़ी सारा जो बाहर जाता है वह जनाब महफूज रहेगा, तो थोड़े मुल्क ही रहेगा तो तुहानूं किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने मुल्क नूं लहसन दे विच खुद कफील करने वास्ते हर किसान नूं चाहिए भी मैदान च आवे, अपनी जेब की इस्तेआत के मुताबिक वह जनाब लाजमी इसकी काश्तकारी करे जिदे विच पांच मरले तो लैके तो जनाब 50 किले तक भी लगा सकता है। तो बाकी जिशान वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने वधिया मशीन तैयार की है, वरना ये तो पांच कनाल चार कनाल दो तो चार दिन भी लग सकते सन। जिस तरीके लेबर का मसला है, लेबर जगिया ने मुंजी जरूरी हुई ने, ते कुछ दोस्त फैक्ट्रिया गए हुए हैं लाहौर मजदूरियां करते फिरते हैं, कोई कितने है कोई कितने है, लेकिन इस मशीन के होवन आपां काफ़ी फायदा होया है जिद
लेबर का जो मसला है वो काफ़ी हद तक ना आसान हो गया है। बेबी सीड तकरीबन 70% जोड़ा है 60-70% बच्चे खुशक हो गया है। एदा जो बी है बहुत ही कमाल का बी है। तो मेरा ख्याल है भी जिन्हें भी किसान वीर है जिन्होंने ये बीज खरीदया है वो ये थले जिस को भी बेबी सीड आए वो कम अज़ कम अपना बेबी सीड में लाजमी अलहदा लगावन ताकि उन्होंने अपना जिन कहते हैं घर जम बीज वो तैयार हो जाए। देसी जुगाड़ 260 का इस्तेमाल या बिलार्स ट्रैक्टर जोड़ा सब तो बेस्ट रहा है। वो टायर होंगे ने थोड़े जे छोटे पतले होंगे ने खेड़ी के बच्चे बड़े आसानी ना आ सकता है बिलार्स से। बिलार्स की परफॉर्मेंस सारे ट्रैक्टर नालों बेस्ट है। किसान वीर भराओ जीवन लेसन दा अज अपना आखिरी एकड़ बल्कि पंज कनाला बेबी सीड दियाँ इस तो बाद आपां फिर जनाब शुरू हो जाना है 15/09 नू मंजी लगावांगे इंशाल्लाह ताला। अज समझ लो भी आपां बेबी सीड चुक लिया जीवन लेसन तो आपां हो गए फ्री। दौर भाई मशीनरी का है जी, मशीनरी है तुहाडे कोल ते दिनां दा काम घंटिया च घंटिया दा मिंटां च हो जाता है। हुण मैं अपने वीर भराउं तों लैना इजाजत। तुहाडा भरा मियां मुहम्मद अफजल गट्टू, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।